बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। आई एम अनीला एंड आई वेलकम यू फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ गौहर पब्लिशर्स। आवर मोटो इज़ रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कॉन्सेप्चुअल लर्निंग। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर लेक्चर फ्रॉम पेज 111 ऑफ गौहर मैथमेटिक्स फॉर क्लास 3। ऑन पेज 111 वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज 5.2। फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट द टाइम ऑन द डिजिटल क्लॉक्स। आपने डिजिटल क्लॉक्स से मुताबिक ये आपके पास सामने कौन से हैं, एनालॉग क्लॉक, आपने यहाँ पर डिजिटल क्लॉक में इसी टाइम को सेम टाइम को लिखना है। फॉर द फर्स्ट वन वी आर गोइंग टू राइट लाइक दिस 2, क्योंकि ये 12 o'clock पे है आपकी जो मिनट हैंड है, तो इट मीन्स कि कोई भी अभी मिनट पास नहीं हुआ। इट इज़ गोइंग टू बी, यस वेरी गुड, 4 पे आर एंड नो मिनट इज़ पास्ड। सो Now you are going to do the rest and check your answers from the screen. Let's move to the next page. The question is write these times. 9:15 quarter past kya hoga? 9 hour hai and 15 minutes are past, yani 15 is a quarter of 1 hour. To ye 9 quarter past 9 hai. 10:45 isko hum kya likhenge? Quarter 2. Ab kya time hone mein 15 minutes hai? क्वार्टर कितना रह गया? 11 होने में। गुड वन। नाउ यू आर गोइंग टू डू द रेस्ट एंड चेक योर आंसर्स फ्रॉम द स्क्रीन। आफ्टर दैट वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन सी पार्ट। राइट दीज टाइम्स यूजिंग ओ क्लॉक और हाफ पास्ट और क्वार्टर पास्ट और क्वार्टर टू, इनको यूज करके आपने टाइम लिखना है। 7:15 क्या लिखेंगे हम इसे? 7 o'clock के बाद कितना टाइम गुजर गया है? 1 quarter। इट इज गोइंग टू बी 7:15 एंड 6:30 इज हाफ टाइम गुजर किया हुआ है, सो इट इज हाफ पास्ट एंड कितने आवर्स हैं? 6। एंड वी आर गोइंग टू डू समथिंग डिफरेंट, 7:45 पे आ जाते हैं। इट इज क्या टाइम होने में, कितना टाइम रह गया? क्वार्टर रह गया है, क्वार्टर टू एज, एंड दिस इज योर 10 o'clock। वेरी गुड। नाउ यू आर गोइंग टू डू द रेस्ट एंड चेक योर आंसर फ्रॉम द स्क्रीन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज। ऑन पेज 113 वी आर गोइंग टू डू द डी पार्ट, राइट द टाइम। आपने इस क्लॉक को देख के टाइम लिखना है अगेन इन डिजिटल। आपके सामने एनालॉग है, एनालॉग पे टाइम आपको दिखाया हुआ है। यू आर गोइंग टू राइट द सेम टाइम इन डिजिटल क्लॉक, ठीक है? इट इज़ कहाँ पे है आपका फर्स्ट वन? यस इट इज़ आफ्टर 6 and 7। 7 इधर आ जाएगा आपका आर, एंड 15 मिनट्स आर पास्ट, सो वी आर गोइंग टू राइट 15, ठीक है? देन वी आर गोइंग टू डू द नेक्स्ट वन, 8। यहाँ पे आपका 8 से गुजरा है ना ये आर हैंड, तो वी आर गोइंग टू राइट 8, और यहाँ पे 4 पे है, ये अब क्वार्टर नहीं होगा। इट इज़ 5, 10, 15 and 20, 20 मिनट्स को पता है ना, याद है कि ये 5 का हम जिस तरह टेबल है इसी तरह से इसको जंप करते जाते हैं। 5 मिनट्स दिस रिप्रेजेंट, ये गैप जो है आपका 5 मिनट्स को रिप्रेजेंट करता है। यू आर गोइंग टू डू द रेस्ट एंड देन चेक योर आंसर्स फ्रॉम द स्क्रीन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज। ऑन पेज 114 द ई पार्ट इज ड्रॉ द मिनट हैंड टू शो द टाइम। आप लोगों के सामने आर हैंड तो है लेकिन मिनट हैंड नहीं है, तो आपने मिनट हैंड को ड्रॉ करना है। 7:10 आपका आर हैंड है, 10 मिनट्स, 5 + 5, तो आप इसको यूं ड्रॉ कर देंगे, ठीक है? नेक्स्ट वन इज 9:45, यहाँ पे आपका टाइम है, एंड 45 इज 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 and 45, आपका मिनट हैंड यहाँ पे आएगा, ठीक है? इट इज़ गोइंग टू बी लाइक दिस। नाउ यू आर गोइंग टू डू द रेस्ट एंड चेक योर आंसर्स फ्रॉम द स्क्रीन। लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन। ड्रॉ द आर हैंड टू शो द टाइम। पहले हमने मिनट हैंड ड्रॉ किया था, नाउ वी आर गोइंग टू ड्रॉ द आर हैंड। द फर्स्ट वन इज 7:55,
यानी 7:55 का मतलब है इट्स ऑलमोस्ट 5 मिनट्स के बाद 8 o'clock हो जाएंगे. सो हमारी जो आर हैंड है इट इज़ नॉट गोइंग टू बी ऑन 8, लेकिन 8 से बिल्कुल थोड़ा सा पहले, ठीक है, नॉट एग्जैक्टली ऑन 8, 5 मिनट्स बाद हमारा 8 o'clock हो जाएगा. सो 8 से थोड़ा सा पहले ये हमारा, ये देखें, इट्स इस तरह से एग्जैक्ट 8 पे नहीं होगा, ठीक है. नेक्स्ट वन इज़ 4:30. 4:30 में ये आपका मिनट हैंड 6 पे है एंड दिस इज़ गोइंग टू बी 4 और क्योंकि हमारा एक हाफ एन आवर गुजर चुका है, 4 और 5 के बिल्कुल मिड में हमारा ये आर हैंड आएगा, ठीक है. नाउ यू आर गोइंग टू डू द रेस्ट एंड चेक योर आंसर्स फ्रॉम द स्क्रीन. आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट क्लियरली. अल्लाह हाफिज़.